चलिए, सभी को जो है पीडीएफ मिल चुका है ना? सभी को पीडीएफ मिला है? ठीक सर, दिस कॉल इज नाउ बीइंग रिकॉर्डेड। है, तो आप पीडीएफ देख लेना जो इससे है, पीडीएफ से मिल गया। ठीक है, हेलो। स्क्रीन शो हो रहा है? यस और नो? यस सर। ओके, तो हमने क्या पढ़ा था? किसी को क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था हमने अभी तक? कल हमने क्या पढ़ा था बताओ जल्दी से, कौन बताएंगे? ठीक है, ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था? बुद्धिस्ट एडुकेशन है ना, तो बताओ बुद्धिस्ट एडुकेशन का शिक्षा व्यवस्था कहाँ पर होता था बताओ सभी? बुद्धिस्ट एडुकेशन का बिहार शिक्षा में, मठों एवं बिहारों में। बिहार में, वहां उसका गोल क्या था? बुद्धिस्ट एडुकेशन का गोल क्या था? ज्ञान प्राप्त करना। ज्ञान प्राप्त करना। पूर्णतः ज्ञान प्राप्त करना। समय काल कब था बुद्धिस्ट एडुकेशन का? कब था? 600 से लेकर 1200 AD है ना, 620 से 1200 AD है ना? यस सर। बुद्धिस्ट एडुकेशन में कितना त्रिपिटक था? कितना त्रिपिटक है? सर क्या क्या है? तीन पिटक, विनय पिटक, पिटक, अभिदम पिटक। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिद्रव पिटक है ना? ये सब क्या है? तीन आपका, अब क्या है? पिटक है। ठीक है, इस्लाम पीरियड में क्या क्या है? एक समाज और दूसरा अगर है धार्मिक। ना, धार्मिक तौर के ऊपर, धार्मिक दो, धार्मिक और सांसारिक और दो संसदा। यहाँ पर क्या कहाँ पढ़ाया जाता था? यहाँ पर इस्लामिक में यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था कहाँ पर पढ़ाया जाता बच्चों को? मकतब और मदरसा में है ना? मदरसा। हाँ, क्या क्या पढ़ाया जाता था? अरबिक, उर्दू, पर्शियन, ठीक है, उर्दू। और भी अदर सब्जेक्ट का। ठीक है, चलिए, ये हमने देख लिया था। तक्षशिला का समय काल कब था? तक्षशिला सिक्स का समय हंड्रेड का, बीसी से 500 AD। तक्षशिला का 5th सेंचुरी से लेकर, 5th सेंचुरी से लेकर 600 BC से 500 AD। हाँ ठीक है, ओके। तक्षशिला आप कहाँ पर है? पार्टीशन के बाद तक्षशिला कहाँ पर है अभी? पंजाब, पाकिस्तान, पाकिस्तान, पंजाब, पाकिस्तान, कांधार, सावर, पाकिस्तान रावलपिंडी। पाकिस्तान रावलपिंडी में है ना, रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट में है। तो यूनेस्को ने, यूनेस्को जो है कितने साल में उसको हेरिटेज दिया था? वर्ल्ड हेरिटेज क्या साल था उसका? 1980, 1980। 1980। यहाँ का बच्चों को पढ़ाने के लिए मिनिमम एज कितना था यहाँ का एडमिशन के लिए? 18, 16। 16 है ना? सॉरी सर। नालंदा का समय काल क्या था? नालंदा फिफ्थ का समय काल सेंचुरी से 12th सेंचुरी। दो चाइनीज स्कूल कब आया था? दो चाइनीज स्कूल आया था यहाँ पर सर वॉइस नालंदा में ब्रेक पढ़ने हो के रही है। लिए? 7th सेंचुरी। हाँ, 7th सेंचुरी से आया था। कितने
क्या क्या प्रथा था वहां पर? हेलो, फाइन आर्ट्स, मेडिसिन, मेडिसिन, मैथ, मैथ, ये तो योग शास्त्र। एस्ट्रोनॉमी, हाँ, एस्ट्रोनॉमी, पॉलिटिक्स, आर्ट, मेडिसिन, मैथमेटिक्स पढ़ा जाता है ना। किसने इसको डिस्ट्रॉय किया था? डिस्ट्रॉय किसने किया था इसको? बख्तियार बख्तियार खिलजी। खिलजी, है ना। कब किया था? सन 1193 में, है ना। वॉइस ब्रेक वॉइस ब्रेक हो रही है। ठीक है। हेलो, अभी आ रहे वॉइस? जी सर, आ रही है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा था, हमने उसको रिकैप कर लिया। अब आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आज पढ़ेंगे हम विक्रमशिला के बारे में, ठीक है। विक्रमशिला कि विक्रमशिला वॉज फाउंडेड बाय द पाल किंग धर्मपाल इन द लेट 8th सेंचुरी, 8th to 9th सेंचुरी। विक्रमशिला कब हुआ था? विक्रमशिला कौन फाउंडेड किया था? पाल किंग धर्मपाल के, ठीक है। कब हुआ था? कि 8th सेंचुरी के, क्या था, बाद के, और जो 9th सेंचुरी उसके शुरुआत में क्या हुआ था, विक्रमशिला का फाउंडेशन हुआ था। ये कहाँ पर है आपका? ये आपका है बिहार, भागलपुर, बिहार डिस्ट्रिक्ट। कहाँ? बिहार में भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के अवंतिका, अंतिचका, अंतिचका नामक गांव में है, ठीक है। और किसके है? गंगे के पास ही है, ठीक है। गंगा नदी का पास में कौन है आपका? विक्रमशिला है। ओके, चलो हमें हिंदी बता दूँ आप सभी को, ठीक है। विक्रमशिला सबसे बड़े बौद्ध विश्वविद्यालय में एक था। क्या था? कि आपका जो विक्रमशिला था वो क्या था, जितने भी बौद्ध विश्वविद्यालय था उसमें से क्या था, सबसे बड़ा कौन था आपका? ये विक्रमशिला था, ठीक है। जिसमें से 100 से अधिक शिक्षक और लगभग 1000 छात्र थे। क्या कि ये जो आपका विक्रमशिला में क्या था, यूनिवर्सिटी में आपका बिहारस में, जिसमें से आपका 100, आपका 100 से अधिक टीचर था और हजारों, लगभग 1000 स्टूडेंट था वहां पर, ठीक है, छात्र था। इसने प्रख्यात विद्वान को जन्म दिया और जिन्होंने क्या करा, अक्सर बौद्ध शिक्षा संस्कृत धर्म को प्रसार करने के लिए विदेशी देशों में क्या करा, वो दौर किया, आमंत्रित करता था। कि जितना भी आपको होता था कि इसको आपका जो था, आपका विक्रमशिला में क्या होता था, बौद्ध शिक्षा को, संस्कृत और धर्म को प्रसार करने के लिए बहुत सारे विद्वानों को क्या कहता था, इसको आमंत्रित कहता था विदेशों में, ठीक है, पढ़ाने के लिए, ठीक है। और क्या था कि विक्रमशिला वॉज द सेंटर ऑफ तांत्रिक। विक्रमशिला किसका सेंटर था? तांत्रिक शास्त्र के लिए वो क्या था, प्रसिद्ध था, ठीक है। इसको याद रखना, एक क्वेश्चन आ सकता है कि विक्रमशिला जो था किसके लिए, किसका सेंटर था, प्रसिद्ध था, तो तांत्रिक शास्त्र के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। ओके, द ओके मेन सब्जेक्ट ऑफ द स्टडी वेयर द व्याकरण, लॉजिक, फिलोसॉफी, तंत्र शास्त्र, कर्मकांड। यहाँ पर मेन सब्जेक्ट क्या क्या था, क्या क्या यहाँ पर पढ़ाया जाता था, स्टडी होता था? व्याकरण, लॉजिक, फिलोसॉफी, तंत्र शास्त्र और कर्मकांड। कर्मकांड में क्या क्या आता है? कर्मकांड क्या क्या है? सर, यज्ञ वगैरह। हाँ, जो मंत्र और संहिता और क्या ब्राह्मण दो जो आता है, यज्ञ वगैरह, रिचुअल वगैरह जो होता है हमारा, वो कहाँ पर आता था? कर्मकांड में।
ठीक है, तो कर्म कांड के भी हमें क्या था सब्जेक्ट था, पढ़ा जाता था। द यूनिवर्सिटी वॉज डिस्ट्रॉय बाय भक्तियार खलजी एंड 1193 सेंचुरी, कि यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किसने किया था, भक्तियार खिलजी ने सन 1193 में क्या करा, इनको डिस्ट्रॉय कर दिया, तोड़ दिया था, ठीक है, ध्वंस कर दिया, किसने, भक्तियार खिलजी ने। चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, विक्रमशिला फाउंडेड कौन किया था, पाल किंग के अनुसार पाल किंग धर्मपाल ने किया था, कब किया था, 8वीं सेंचुरी से लेकर 9th सेंचुरी के मध्य में, ठीक है। कहाँ पर है ये, अंतिची का भागलपुर डिस्ट्रिक्ट, बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में है, कहाँ पर है, गंगा नदी के तट पर ही है, वो पास में ही क्या है आपका, ये विक्रमशिला है। विक्रमशिला क्या था, वो आपका लार्जेस्ट बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी था, जितने भी यूनिवर्सिटी है क्या था उसमें से लार्जेस्ट कौन था आपका, विक्रमशिला था। इसमें क्या होता था, 100 से अधिक टीचर होते थे और क्या होता था, 1000 स्टूडेंट यहाँ पर थे, ओके। विक्रमशिला क्या था, तांत्रिक शास्त्र का प्रसिद्ध था, ठीक है, ओके, समझ में आ गया। विक्रमशिला क्या है सर, डिस्ट्रॉय कब किया गया था, 1193, 21 साल है, जो भी आप देखेंगे, जो नालंदा का था, नालंदा के साथ साथ उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया था, ठीक है सर। कोई बता रहा है कि 1203 ईस्वी में हुआ, वो मैसेज आया है 1203, ठीक है, भी देख लूंगा मैं फिर। एक ही होता ना कि जब इसका दौर था, खौफ था इनका, भक्तियार खलजी का, तो एक साथ सारे तोड़ दिया था उन्होंने, नालंदा को, उसके बाद आपका था कौन, उसके बाद आपका विक्रमशिला, उसके बाद उदंतापुरी, बल्लवी, जितना भी था वो तोड़ दिया था, वो उसका खौफ था तभी। तो मुझे लगता है 1193 में था, ठीक है, किसी को लगता है कि 1203 में है तो मैं उसको देख के बोल दूंगा, ठीक है, ओके जी सर। नालंदा यूनिवर्सिटी भी 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था, 12वीं शताब्दी। तो देखो ना 1193 मतलब कि उसका लगभग एक वैसी होगा 1200 शताब्दी, लगभग देख लो फिर। जी सर, ठीक है सर, थैंक। हो सकता कि मैं, मुझसे मिस्टेक हो चुका है, ठीक है। बल्लभी पढ़ते हैं भाई, बल्लभी यूनिवर्सिटी। तो विक्रमशिला समझ में आ गया सभी को, विक्रमशिला सभी को समझ में आ गया ना, यस और नो, यस सर, यस। अब आता है बल्लभी, कि बल्लभी यूनिवर्सिटी वॉज इस्टेब्लिश इन सौराष्ट्र अब मॉडर्न गुजरात, कहाँ पर है बल्लभी यूनिवर्सिटी जो है, कहाँ पर स्टेब्लिश होता, सौराष्ट्र में है, मॉडर्न गुजरात में है, अभी वो गुजरात में है, कहाँ पर, सौराष्ट्र में था, अराउंड 6th सेंचुरी एंड फ्लोरिश ऑफ द 600 ईयर एंड 12th सेंचुरी, मतलब क्या 6th सेंचुरी और 12th सेंचुरी के बीच में क्या था, ये बल्लभी का इस्टेब्लिश हुआ था, कहाँ पर हुआ था, सौराष्ट्र में, कहाँ पर, गुजरात के सौराष्ट्र में, ठीक है, ओके। चाइनीज ट्रेवलर ताइजिंग हु विजिट द यूनिवर्सिटी ड्यूरिंग द 7th सेंचुरी एंड डिस्क्राइब द ग्रेट सेंटर ऑफ लर्निंग, उन्होंने क्या किया था, एक चाइनीज स्कॉलर था और ट्रैवलर, तो वो क्या किया था, यहाँ पर आया था, वो क्या करा, 7th सेंचुरी में उन्होंने इसका डिस्क्राइब करा कि एक लर्निंग सेंटर है जहाँ पर पढ़ाया था, उसके बारे में क्या करा, उन्होंने इसको डिस्क्राइब करा, ठीक है। कौन क्या था, ताइजिंग नामक एक चाइनीज ट्रैवलर था, उन्होंने यहाँ पर विजिट किया था और यूनिवर्सिटी के बारे में क्या करा था, उसने इसको डिस्क्राइब किया है, ठीक है। बल्लभी यूनिवर्सिटी वॉज एन इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, बल्लभी क्या है, वो भी एक गुरु महत्वपूर्ण क्या है, बुद्धिस्ट लर्निंग के लिए विख्यात था बल्लभी, एंड कंपाउंड कॉजेस ऑफ द हीनजान बुद्धिजान बुद्धिज्म। देखो क्योंकि बल्लभी विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था और हीनजान बौद्ध धर्म का समर्थक था, ये क्या था आपका, जो हीनजान बुद्धिजान है ना, हीनजान बुद्धिज्म, बुद्ध का दो भाग होता है, क्या क्या है, हीनजान और ये क्या है, वज्रयान या महाजान, है ना, तीन है, हीनजान, वज्रयान, महाजान। तो क्या है, हीनजान बुद्धिज्म क्या था इनका, इनमें इसका केंद्र था, उसको मानते थे हीनजान बुद्धिज्म को, ठीक है, इसको याद रखना, ये इसमें से क्वेश्चन आ चुका है कि बल्लभी जो है सर, इसका मतलब क्या होता है हीनयान, वो जो आपका बुद्धिज्म होता है ना, बुद्धिज्म उसका दो पार्ट है, एक होता है हीनजान, एक है महाजान, तो उनमें से क्या करा, हीनजान जो है
जैसे हमारा होता है ना कि हिंदू धर्म में बहुत सारे डिवाइडेड होता है, हिंदू में भी बहुत सारे के उच्च जात नीच जात बहुत कुछ होता है, दलित उसके वगैरह, वैसे ही बौद्धिज्म में भी था ऐसे, भी उनका चैप्टर था, भागवत था, कि हिनजान में अलग होगा, महाजान जो अलग मानेगा, हिनजान वाले आत्मा को नहीं मानते हैं लेकिन महाजान वाले आत्मा को मानते हैं, हिनजान कहते हैं कि बुद्ध कोई गॉड नहीं है, तो महाजान कहते हैं कि नहीं बुद्ध भगवान है, तो ऐसा उसका डिबेट चलता है। तो हमारे भी यहाँ होता है ना कि ऐसा भी होता है जो ऐसा था, ठीक है, बुद्धिज्म में ओके सर, थैंक यू। हिंदू की एक धर्म ही है, हमारे जैसे धर्म होता है हिंदुइज्म का, बहुत सारे पार्ट पार्ट है बहुत कुछ, वैसे उनका भी है, ठीक है, ओके, समझ जी में आ गया सर, ना, थैंक यू। जी सर, ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। बल्लवी यूनिवर्सिटी फीचर्स, इसका फीचर्स क्या क्या था, अलोंग विद द बुद्धिस्ट आइडिया एंड ब्रह्मकल साइंस एंड वाई द ऑल्सो थॉट दैट देयर हैज बीन डिफरेंट ब्रह्म ब्राह्मणिक स्टूडेंट स्टडिंग एट द यूनिवर्सिटीज, इसको छोड़ दे, ये नहीं पढ़ना, ये वाला इतना कुछ नहीं है इसमें, इसे द रिलीजियस साइंस ऑफ फॉलोइंग द कोर्स, अच्छा ये देख लो एक बार क्या क्या कोर्स होता था वहाँ पर, कि क्या क्या वो जो वहाँ पर पढ़ाया जाता था बल्लवी में, नीति वार्ता एडमिनिस्ट्रेशन फिलोसॉफी अकाउंटिंग इकोनॉमिक्स वगैरह पढ़ाया जाता था इसमें, ठीक है, क्या क्या यहाँ पर स्टडी हो रहा था, कोर्स होता था, जैसे बहुत सारे कोर्स होता है हमारा यहाँ पर अभी यूनिवर्सिटी में देख लो, जियोलॉजी फिलोसॉफी बहुत सारे कोर्स होता है, ऐसे ही वहाँ पर भी कि बल्लभी यूनिवर्सिटी का कोई भी कि कोर्स था यहाँ पर कि जो अवेलेबल था कि हाँ ये आप यहाँ पर ये सारे कोर्स कर सकते हैं, नीति में आपका था पॉलिटिकल साइंस, उसके बाद वार्ता में था आपका बिजनेस एग्रीकल्चर एडमिनिस्ट्रेशन, उसका फिलोसॉफी में था फिलोसॉफी रिलीजियस थॉट एंड स्पेशली बुद्धिस्ट फिलोसॉफी के लिए यहाँ पर था, उसका अकाउंटिंग इकोनॉमिक्स लॉ यहाँ पर क्या था, ये सारे कोर्स यहाँ पर अवेलेबल था, इसको यहाँ पर कराया जाता था, ठीक है, बल्लभी यूनिवर्सिटी में, ठीक है, ओके। अब आता है जगद्दला, आप सभी नाम सुना है इसका ना, बल्लभी तक्षशिला नालंदा जगद्दला पुष्पगिरी उदांतापुर, नाम सुना सभी यस ये, सर, जी सर। हाँ तो बहुत कुछ नहीं है ऐसे, थोड़ा बहुत क्या है कि हमने उसको भूल चुका है, बस रिकैप कर लेंगे आपको हो जाएगा फिर, ठीक है, आप क्या है जगद्दला महाविहारास, कि जगद्दला महाविहारास द फ्लोरिडा लेट ऑफ 12th सेंचुरी मिड एंड 11th सेंचुरी एंड मिड 12th सेंचुरी वॉज द बुद्धिस्ट मॉन्स्टरी सेंटर ऑफ लर्निंग लोकेटेड ऑन द बांद्रा ऑफ जियोग्राफिकल यूनिट ऑफ प्रेजेंट डे नॉर्थ बंगाल एंड बांग्लादेश, ठीक है, देख लो क्या कह रहा है कि जगद्दला महाविद्यालय जो फ्लोरिडा 11वीं शताब्दी से लेकर सदी के अंत में और 12वीं शताब्दी के मध्य में हुआ था, ठीक है, कि 11वीं शताब्दी था उसका अंत में और 12वीं शताब्दी के जो था सदी का मध्य में क्या था ये जगद्दला का स्थल हुआ था, एक बौद्ध मठ और शिक्षा केंद्र था जो वर्तमान उत्तर बंगाल जो नॉर्थ बंगाल है जो हमारा जो मेरा जो कहाँ पर घर है नॉर्थ बंगाल बांग्लादेश की एक भौगोलिक हाइकाई की बांद्रा में स्थित है ये, ठीक है, जगद्दला है, ठीक है, वो बंगाल में है, नॉर्थ बंगाल जो पहले वो बांग्लादेश का अंदर आता था, अभी वो नॉर्थ बंगाल जो है वो वेस्ट बंगाल का अंदर रहता है, ठीक है, पहले वो बांग्लादेश में था तो अभी वो बांग्लादेश में है अभी, ठीक है, वो पहले वो हमारे यहाँ पर ही था, अब उस जब पार्टीशन हो गया हमारा उसके बाद वो क्या चला गया, ये जो यूनिवर्सिटी है जगद्दला महाविहार वो कहाँ पर चला गया, वो आपका बांग्लादेश में है, ठीक है, पार्टीशन के पहले यहाँ पर ही था, अब उसको जब पार्टीशन हो गया उसके बाद वो बांग्लादेश में है जगद्दला, ठीक है, माना जाता है कि पाल वंश राजा रामपाल ने इसकी स्थापना की थी, कब क्या था 1017 से लेकर 1120 जो है इससे पूर्वी में इनका क्या होता था, रामपाल जो है इनका स्थापन क्या था, तो इसका याद रखा तो नाम याद रखना कि कौन इसका स्थापन क्या था, तो राजा रामपाल, ठीक है, अब विक्रमशिला कौन क्या था, सेम राजा रामपाल। पाल डेंसिटी धर्मपाल, विक्रमशिला क्या था हाँ जी, धर्मपाल, और यहाँ पर जगद्दला कौन क्या था रामपाल, ठीक है, राजा रामपाल ने इसका स्थापन किया था सन कितना 1017 से लेकर 1120 में, ठीक है, जगद्दला को 1990 में
स्थायी स्थल के रूप में यूनेस्को एक विश्व विरासत सूची में शामिल करने के लिए प्रस्तावित किया गया था। देखो यहाँ पर जगदला जो है वाज प्रपोज फॉर द इंक्लूजन ऑन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट टेंटेटिव साइट ऑफ 1999 में क्या करा यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज के लिस्ट में डाला था। ठीक है, और कौन सा था यूनेस्को के अंदर, कौन सा है और यूनेस्को के हेरिटेज में कौन सा और बेसिलिक है? तक्षशिला है ना, तक्षशिला कब था? 1980 में क्या था तक्षशिला, और 1999 में कौन आया आपका जगदला, जो क्या हुआ यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में वो आया था, वो प्रपोज किया था। ठीक है, जगदला को, जगदला वाज स्पेशलिस्ट इन वज्रयान बुद्धिज्म। जगदला जो है वो किसके लिए विख्यात था? वज्रयान बुद्धिज्म के लिए, इसको याद रखना। बल्ले भी किसके लिए था? हीनयान बुद्धिज्म के लिए। जगदला किसके लिए है? वज्रयान बुद्धिज्म के लिए, तो इसको याद रखना। ठीक है, सम फेमस बुद्धिस्ट स्कॉलर इन तिब्बत साहज इज द बुद्धिचंद्र धनशिला मुक्षकर गुप्ता एंड शुभंकर गुप्ता बिलोंग विद द मॉन्स्ट्री। बहुत सारे फेमस बुद्धिस्ट स्कॉलर था जो जो क्या क्या था उनका नाम था कि विद्युत चंद्रा, धनशिला, मुक्षकर गुप्ता, शुभंकर गुप्ता, बिलोंग विद द मॉन्स्ट्री। ये सारे क्या था कि बुद्धिस्ट था, यहाँ पर मठ का हिस्सा थे, स्कॉलर था। ठीक है, फेमस स्कॉलर था बुद्धिस्ट का, कब? जब जगदला यूनिवर्सिटी में था, यूनिवर्सिटी का। फाइव फेमस महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ द आर्ट ऑफ द टाइम अकॉर्डिंग टू तिब्बत तिब्बतियन सोर्स। यदि हम देखते हैं तिब्बत सत्रों के अनुसार उस समय का पांच प्रसिद्ध महाविहार था, महावीर थे, क्या क्या था महाविहारस, पांच प्रसिद्ध, देखो यहाँ पर फेमस महाविहारस कब था तिब्बतन सोर्स के अनुसार, कब था, क्या क्या, कौन कौन थे? विक्रमशिला, नालंदा, संपुरा, उदांतपुरा और जगदला। उदांतपुरा को उदांतपुरी भी कहा था, ठीक है, उदांतपुरा और उदांतपुरी, और जगदला, संपुरा, विक्रमशिला, नालंदा, ये सारे क्या था महाविहारस था, कब था उस समय के सत्र में, ये क्या था आपका फाइव फेमस तिब्बतियन जो क्या था बुद्धिस्ट के लिए था। ठीक है, चलो एक बार और देख लेते जगदला क्या है कि जगदला महाविहार कब आया था, फ्लोरिडा, 11वीं शताब्दी के अंत का और 12वीं सदी का मध्य में क्या था जगदला का हुआ था, क्या था, एक बुद्धिस्ट मॉन्क्स का सेंटर था, लर्निंग सेंटर था, जो कहाँ पर था, बंद्रा में है, कहाँ पर प्रेजेंट डे में कहाँ पर है वो आपका नॉर्थ बंगाल में है, बांग्लादेश में। कौन इसका स्थापन किया था? किंग रामपाल ने। कब किया था, कब किया था? डेट क्या है? ठीक है, जगदला क्या था यूनेस्को के पार्ट था वर्ल्ड हेरिटेज का, कब आया था 1999 में। ठीक है, उसको हमने क्या देखा कि जगदला किसके लिए स्पेशलिस्ट है आपका वज्रयान बुद्धिज्म के लिए। इसमें बहुत सारे फेमस बुद्धिस्ट स्कॉलर था जिनमें से चंद्रा है, शुभंकर गुप्ता, ये सारे है, और फाइव फेमस के महावीरस था तिब्बतन सोर्स के अनुसार, जो हमारा क्या है विक्रमशिला, नालंदा, संपूर्ण, अदंतपुरी और जगदला। ये क्या है हमारा, तो क्या जगदला हमारा खत्म हो चुका है। ठीक है, अब आते हैं आगे, अब आते हैं उदांतापुर यार, कुछ और एक है, ठीक है, उसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे और छोड़ देंगे, ठीक है, ज्यादा नहीं करेंगे। ठीक है, उदांतापुरी, उदांतापुरी यूनिवर्सिटी वॉज इस्टेब्लिश बाय धर्मपाल ऑफ पाल डेंसिटी ड्यूरिंग द 8th सेंचुरी अब इन मगध। कहाँ पर था ये, कब स्टेब्लिश हुआ था? 8th सेंचुरी में इसका एस्टेब्लिश हुआ था, कब? ड्यूरिंग लेट ऑफ 8th सेंचुरी। ठीक है, मतलब कि 8th सेंचुरी के बाद में इसका क्या हुआ था, इसका स्थापन हुआ था, एस्टेब्लिश हुआ था। कौन स्थापन किया था? धर्मपाल। ठीक है, विच द मॉडर्न डे बिहार एंड फ्लोरिस द 4400 ईयर्स 12th सेंचुरी।
अब आप देखते हैं कि मॉडर्न डे आप क्या पर है, मॉडर्न डे जब कहें बिहार का है, बिहार मगध, आपने नाम सुना है ना, मगध, मगध काशी बिहार, आपने नाम सुना है ना, तो बहुत सारे बच्चे जो आते थे यहाँ पर पढ़ने के लिए, तो मगध का बच्चा होता था, काशी का कौशल, आपने सभी नाम सुना है, मगध, काशी, कौशल, गंधार, ये यहाँ से बच्चा क्या आता था पढ़ने के लिए आता था, ठीक है, दंतापुरी में, तक्षशिला में, नालंदा में बच्चा आते थे पढ़ने के लिए, जब अभी आप जब आते हैं पढ़ने के लिए, जैसे मान लो कुछ यूनिवर्सिटी है, ठीक है, द बिहार द प्लेस ऑफ द हैंड ऑफ द मोहम्मद बिन भक्तियार खिलजी तुर्की मुस्लिम द इन द लेट ऑफ 1100 मल्टीपल द बिहार ऑफ एडिंग टेटरीज, ठीक है, देखो ये ऐसी बात है, 1100 मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन भक्तियार खिलजी के हाथों बिहार नष्ट हो गया, अब जबकि उसने बिहार और आसपास के क्षेत्रों पर क्या करा, कोई छाप मारे थे, कोई छाप मारे थे, क्या करा था, बहुत सारे क्या करा उन्होंने बिहार में 1100 के अनुसार, जब तुर्की मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, मोहम्मद बिन भक्तियार खिलजी को हाथों में क्या हो गया, बहुत सारा जो यूनिवर्सिटी था उसका ध्वस्त हो चुका था बिहार में, जब क्या हुआ आसपास के जितना भी यूनिवर्सिटी था, बिहार था, महाविहार था, यूनिवर्सिटी था, सबका क्या हो गया नष्ट कर दिया था, क्योंकि उन्होंने उस पर छाप मारा था, ठीक है, तुम्हारे तो रेड मारना, अब जो रेड मारते ईडी वाले, तो ऐसे अब तो मालक वो तब ईडी वाले थे, ठीक है, भक्तियार खिलजी, बाहर के आने वाला कोई था आके मार देते, चलो हमने हम नहीं रखने माइक अनम्यूट आवाज कर दो, कौन है जिसका माइक अनम्यूट है, म्यूट कर लो प्लीज, सर साधन देखा है, सहदेव जी माइक बंद कर लीजिए ना, म्यूट कर लीजिए वाला, सहदेव जी हेलो, म्यूट कर सकते हो, मैम निशा मैम, ठीक है छोड़ो इनको, ठीक है आप ही करवा दीजिए ना, मैं कैसे, मेरे पास लैपटॉप नहीं ना, मोबाइल पे कर रहा हूँ, कैसे करूँगा, ठीक है छोड़ो ये, अब मैं भी ध्यान दूँगा, इतना तो कॉमन सुना चाहिए था ना कि क्लास हो रहा है तो बंद कर दे, जो भी करना करे फिर, आगे बढ़ते हैं फिर, अब लास्ट में मिथिला, मिथिला के बारे में बताया ना, मिथिला के बारे में सबको पता है ना, पढ़ाने के लिए जरूरत है, ठीक है फिर, मिथिला पता है सभी को ना, इन द उपनिषद एज द मिथिला बिकम प्रोमिनेंट साइट ऑफ ब्रह्मिकल एजुकेशन इज द नेम ऑफ द वेदही, वेदही वेदही से पता है, उपनिषद के उपनिषद युग में मिथिला ब्रह्मवादी शिक्षा एक प्रमुख केंद्र बना गया था, बन गया क्या हुआ, मिथिला क्या था, एक प्रमुख केंद्र था किसका, ब्रह्मवादी शिक्षा के लिए, किसमें था, उपनिषद युग के, अब उपनिषद युग कब आया था वो तो अब देख लेंगे हम, इसका नाम क्या है, इसका और एक नाम था विदेही, विदेह था, विदेह विदेह का और एक नाम था विदेही, विदेही किसका नाम था, विदेही जनक नंदी ने विदेही ना, यस सीता माता का, हाँ इट कॉन्स्टिट्यूट द ग्लोरी फ्रॉम राजा जनक आफ्टर बुद्धिस्ट पीरियड एंड लेटर ऑन दिस प्लेस प्रोड्यूस अ डिवोट ऑफ लॉर्ड कृष्णा, क्या करा कि राजा जनक से लेकर बौद्ध काल तक इस
महिमा बने रही कि राजा जनक से लेकर बौद्ध काल तक मिथिला का क्या हो गया, महिमा बने रही। बाद में इस स्थान से भगवान श्री कृष्ण के भक्त पैदा हुए, ठीक है। बहुत सारे क्या हो गया, श्री कृष्ण भक्त जो था यहाँ पर क्या हुआ, पैदा हुआ, ठीक है, बोन किया था, ठीक है। तब जब इसका जो मिथिला युग में था कि राजा जनक के लेकर बौद्ध काल के तक इसमें बहुत सारे महिमा बने गिरी थी। अब बाद में क्या होगा, इस स्थान को भगवान कृष्ण के भक्त के पदों में पैदा हुए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। द फेमस पोर्ट ऑफ द विद्यापीठ हु हैड रिटन इन हिंदी एंड वीडियो द कमांड ऑफ पोर्ट संस्कृत लिटरेचर एंड विज ब्रोन हियर। ओके ठीक है, देखते हैं क्या है। हिंदी के लिखने वाले प्रसिद्ध कवि विद्यापति और संस्कृत साहित्य के प्रमुख कवि जयदेव का जन्म यहीं हुआ था। क्या हुआ कि हिंदी लेखन वाले जो प्रसिद्ध कवि था विद्यापति और संस्कृत साहित्य के प्रमुख कवि जयदेव का जन्म हुआ था, ठीक है। कहाँ पर जन्म हुआ था, मिथिला में यहाँ पर जन्म हुआ था। देखो उसीलिए क्या कर रहा है, उसीलिए मिथिला को क्या कहा जाता है, देव भूमि कहा जाता है मिथिला को, फिर है ना, क्योंकि बहुत सारे यहाँ महिला था मिथिला में भी। उसके बाद क्या हो गया, फ्रॉम 12th सेंचुरी टू 15th सेंचुरी दे भी बंद करो मैं भाई। हेलो निशा मैम, आप हैं? एग्जिट कैसे करूँ, मेरे पास तो लैपटॉप भी नहीं है, मैं होस्ट भी नहीं हूँ। रिमूव कर दीजिए, फिर वो खुद ही ऐड हो जाएंगे। नहीं हूँ ना मैं, कैसे कर सकता, होस्ट नहीं हूँ मैं। कोई कर सकता इसको, कोई लिफ्ट आप में? अगले क्लास से मैं नहीं लूंगा इनको, नहीं लाना मुझे इसे। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। कष्ट करो, ठीक है, थोड़ा कष्ट करना, इसको छोड़ देते, ठीक है, मिथिला को छोड़ देते हैं, उसके बाद को पढ़ेंगे कल क्लास में। तो छोड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, देख लो क्वेश्चन, देख लो, शो हो रहा है सभी को स्क्रीन? क्वेश्चन कर लेते हैं, उसको छोड़ देते हैं, बाद में करेंगे वो, क्या कहते हो? द एंशियंट इंडिया यूनिवर्सिटी फेमस फॉर स्पेशलाइज स्टडी ऑफ हिंजान। देखो हिंजान के लिए कौन सा जो यूनिवर्सिटी है वो स्पेशलिस्ट था, एंशियंट इंडिया यूनिवर्सिटी के अनुसार कौन सा यूनिवर्सिटी जो है वो हिंजान के लिए क्या था, फेमस था, कौन सा? फिर वल्लभी, नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला, कौन सा? फिर वल्लभी, वल्लभी, सही बताना, ठीक है, माइक ऑन करो क्योंकि मैं, मेरे पास लैपटॉप नहीं तो मैं देख नहीं सकता कौन उत्तर दे रहा है। तो सही उत्तर वल्लभी, रागनी दी सर, सर ठीक है, वल्लभी। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी इन एंशियंट इंडिया, सिक्स कॉलेज इज अंडर देम एंड हेड और लॉट ऑफ एक्सचेंजेस आइदर बिटवीन देम। आपको बताना है इनमें से कौन सा जो यूनिवर्सिटी है, हमारे छह यूनिवर्सिटी है ना, आपने जो नाम पढ़ा है छह यूनिवर्सिटी का, विक्रमशिला, तक्षशिला है ना, नालंदा, उदानता, जगद्दला, ये जो छह यूनिवर्सिटी है हमारे एंशियंट इंडिया में,
इनमें से कौन सा यूनिवर्सिटी है जहां पर आइडिया का एक्सचेंज होता था? कौन सा यूनिवर्सिटी है? सिद्धांकर कटक, सिद्धा की सिद्धांका कटक, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, बताओ कौन सा क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन आपका है 2023 दिसंबर का है, ये क्वेश्चन आपको अभी नहीं मिलेगा क्योंकि यूजीसी के जो वेबसाइट है वहां से नहीं मिलते, ठीक है, वहां पर नहीं है। दिसंबर का शायद ह्यूमैनिटीज का पेपर है, वहां से मैंने लिया है, ठीक है, आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, आपको ढूंढेंगे भी। थर्ड ऑप्शन बताओ आप सभी। सर क्या लग रहा है सभी को? ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, मेरे को फर्स्ट वाला लग रहा है। और हाँ, ये तो नहीं होगा, तो ये कार्ड दो, ये दोनों कार्ड दो, बचा हुआ दो, दो और थ्री बताओ कौन सा, नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला, कौन सा होगा? सर विक्रमशिला। हाँ विक्रमशिला होगा, बताओ विक्रमशिला तो होगा ही, बताओ और कौन सा होगा, क्योंकि विक्रमशिला मॉडर्न था ना, उसीलिए वहां पर टू नंबर विक्रमशिला वीएनडी शायद वीएनडी, नालंदा तक्षशिला विक्रमशिला, ठीक है, तक्षशिला जो है हमारे इंडिया में नहीं है ना, वहां पर क्या कह रहे हैं एनसन इंडस्ट्रियल कॉलेज, वो जो आइडिया का जो एक्सचेंज होता था ना हमारे, तो कहां पर था? नालंदा और विक्रमशिला में, ठीक है। देखो ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, देखो ये सारे क्वेश्चन आते हैं, देखो कितना इजी क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत आपको पहला जो क्वेश्चन था, देखो पहले के क्वेश्चन जो था एक ही लाइन में क्वेश्चन था, इंजन कौन सा आपने दिए उत्तर, लेकिन यहाँ पर देखो क्वेश्चन आया है 2020 दिसंबर है, देखो थोड़ा बहुत क्वेश्चन क्या करा उन्हें घुमा दिया है कि आपको पता लगाना है कि पहले सिक्स कॉलेज क्या क्या है। अब मान लो किसी को पता ही नहीं है कि सिद्धांका कटक है वो भी क्या है, कॉलेज है, अब मान लो किसी ने उसको भी ले लिया कॉलेज, जिसको पता होगा वही कर सकते हैं, तो थोड़ा बहुत क्या होगा फिर, अब जो क्वेश्चन जो आते हैं अभी तो क्या होता है थोड़ा बहुत ट्रिकी क्वेश्चन आता है, कि क्वेश्चन ऐसा नहीं आता है कि चलो भाई योग, योग का मीनिंग क्या है, यूनिट, योग, ज्वाइनिंग, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है। पेपर वन हो पेपर टू हो दोनों में क्या आता है, अभी बहुत क्वेश्चन एक ही आता है लेकिन उसमें घुमा के आता है ना, आपने शायद क्वेश्चन देखा है सभी ने, ये सर नो, ये सर, कि थोड़ा बहुत क्या क्वेश्चन घुमा कर आता है, पहले का क्वेश्चन नहीं आता है कि भाई जो है कि नाद बिंदु कौन सा है, नाद बिंदु में कितना प्राणा है, ऐसे क्वेश्चन अब नहीं आता है, ठीक है, अब सीक्वेंस वाले आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन कर लो थोड़ा, उनको मैं इसको और भी जूम कर देता हूँ, ठीक है, दिख रहा है सभी को? नो सर अभी नहीं दिख रहा, दिख रहा है पहले इंग्लिश देख लो उसका हिंदी देखेंगे, ठीक है, पहले इंग्लिश देख लो उसका हिंदी देखेंगे। ये क्वेश्चन आपका है 2020 का, यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, द एंशिएंट इंडिया नाउ और नाउ ऑल लोकेटेड इन इंडियन टेरिटरी, क्या कह रहा है? यूनिवर्सिटी जो है नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, ठीक है, ये तीनों जो है एंशिएंट इंडिया में, प्राचीन भारत में जो है अभी, वो कहाँ पर लोकेटेड है? ऑल लोकेटेड इंडियन टेरिटरी, वो सारे क्या इंडियन टेरिटरी के लोकेटरी में आते हैं, इंडियन के आते हैं। दूसरा क्या कह रहा है कि इंट्रांस स्पेस इज ओन काइंड एंड प्रिविलेंट इन द एंशिएंट स्टेट ऑफ लर्निंग ऑफ इंडिया, कि यहाँ पर जो आप जो यहाँ चाहता है कि दूसरा कह रहा है कि यहाँ पर जो पढ़ाई होता था एंशिएंट स्कूल में, वहां पर बच्चों का एंट्रेंस टेस्ट देकर आना पड़ता था, बताओ दोनों सही होगा दोनों गलत होगा, एक सही का दूसरा गलत होगा, दूसरा गलत पहला सही है, बताओ कौन सा होगा? पहला गलत होगा, कौन है ये? चलो थोड़ा हिंदी देख लो, ठीक है, हिंदी देख लो, देखो हिंदी देखो, हिंदी देख लो, ठीक है,
हिंदी देखो बताओ, हिंदी बताओ। अरे यार कहाँ से आते हैं लोग? सर आंसर फोर होगा क्या? सर फोर आंसर। कथन आई सही है किंतु कथन दो। हाँ कौन है भाई? पहले मैं आता हूँ यहाँ पर। कौन बात कर रहा था अभी? सर जी आप बात कर रहे थे? जी 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 मैं तो मुझे लग रहा था वो मीटिंग ऑन करके चले गए हैं रख के। हाँ वो दिखा रहे कि हम क्लास में थे, एक्टिव थे। कोई नहीं, हमें अटेंडेंस चाहिए है ना। चलो तो आपने कहा सभी कहे ना भाई पहला कथन गलत है, दूसरा सही है ना? सभी का ही मानना है ना? यस सर। जी सर। चलो क्योंकि नालंदा जो विक्रमशिला है वो इंडिया में ही है अभी, लेकिन तक्षशिला कहाँ पर है? वो कहाँ पर है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान रावलपिंडी। इसलिए क्या होगा वो नहीं होगा। तो कथन क्या होगा? ये गलत हो जाएगा, लेकिन कथन तो सही होगा कि हाँ भाई यहाँ प्राचीन भारत का शिक्षा व्यवस्था में क्या कर रहा था? आपको पब्लिक होने के लिए आपको एंट्रेंस देने पड़ते थे। ये सर नो, आपका प्रवेश नहीं होगा। तो क्या हो गया? चार आपका सही हो जाएगा। ठीक है चलो ये वाला कर लो, ये भी आसान है, कर लो ये वाला। द एंशियंट इंडिया द एलिजिबिलिटी कंसर्न रिस्पेक्ट ऑफ एज स्टूडेंट सीकिंग, बता दो। मैं नहीं बोलूंगा, आप बहुत होशियार बच्चे। सर फोर आंसर इसका। वही तो कह रहा हूँ, देखो कितना होशियार हो आप सभी। आप सभी होशियार हो कि 16 वर्ष होता है सर, इतना क्या करना है, इसको हटाइए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर एक बार बता दो कौन सा होगा? ये एक ही कोर्स है। वज्रजान कहाँ पर है? मिथिला, जगदला, नालंदा, उदंतापुरी, कौन सा बताओ अभी? निम्नलिखित में से किस प्राचीन विश्वविद्यालय ने अन्य विषय के साथ विशेष विषय ब्रजयान बौद्धजम की शिक्षा को भी उपलब्ध करवाया? कौन सा था, कौन सा यूनिवर्सिटी है जो ब्रजयान बौद्धजम को क्या करवाता है, स्टडी करवाता है, कौन सा बताओ? क्वेश्चन दिख रहा है सभी को? नहीं दिख रहा है। जगदला महाविहारस क्या लिखा था? कौन सा होगा? उदंतापुरी, जगदला, मिथिला? मिथिला नहीं होगा, काट दो। अरे कहां गया? जगदला विश्वविद्यालय। जगदला सर अभी तो आपने पढ़ाया। नहीं होगा, बचा दो। जगदला उदंतापुरी, उदंतापुरा भी नहीं है, तो क्या होगा? जगदला। ठीक है तो पहले यहाँ पर क्या करना ना, एलिमेंशन जो होता है एलिमेंटरी उससे बना लेना, तो क्या आसान होता है क्वेश्चन करने में। ठीक है ऐसा क्वेश्चन करना। चलो ये वाला बता दो, ये बहुत आसान है। द चाइनीज स्कॉलर यांग जुंग एंड जुंग जांग विजिट एंशियंट नालंदा यूनिवर्सिटी ड्यूरिंग, कब आया था? 5th सेंचुरी, 7th सेंचुरी, 10th सेंचुरी, कब आया था? 12th सेंचुरी। ठीक है ये वाला बता दो लास्ट, क्या कि तक्षशिला इन एंशियंट सेंटर हायर लर्निंग इंडिया एंड डिक्लेयर्ड द हेरिटेज साइट ऑफ यूनेस्को, कब किया था? 1980 है ना? देखो जो मैंने पढ़ा वही क्वेश्चन है। ठीक है अगला क्वेश्चन नहीं है। ये बता दो, ये थोड़ा बाहर का क्वेश्चन है। ठीक है थोड़ा बहुत क्या है, ट्रिकी क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा बहुत देखना उसके बाद करना। ठीक है देखो, योगा इज द यूनियन ऑफ बॉडी विद द माइंड एंड ऑफ द माइंड विद द सोल,
ठीक है, योगा क्या है, यूनियन है जिसका क्या है, योगा इज द यूनियन ऑफ बॉडी, बॉडी है जिसका माइंड एंड माइंड है विद द सोल, माइनर आत्मा से जुड़ा होता है योगा, ठीक है। दूसरा क्या है कि बोथ वैल्यू एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन कैन बी इंटीग्रेटेड ऑफ द टू योगा प्रोग्राम बीइंग द कंडक्ट एट द स्कूल एंड कॉलेज लेवल। बता दो क्या होगा, हिंदी चाहिए, वो हिंदी भी है, लो देख लो हिंदी दिख रहा है, हिंदी दिख रहा है सभी को, योग शरीर के साथ मन के मन का तथा मन का आत्मा के साथ संबंध संयोजन है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि मूल्य आधारित शिक्षा तथा पर्यावरण आधारित शिक्षा दोनों विद्यालय महाविद्यालय स्तर पर शिक्षा में चला जा रहा है, योग प्रोग्राम का अनुभूत हो सकता है, अंगभूत हो सकता है। बोथ आर राइट सर, दोनों सही है, दोनों गलत है, कौन सा दोनों सही दोनों सही है ना, क्योंकि ये तो सही है, ये पहला तो सही होगा ही होगा, दूसरा भी क्या है वो भी सही है, लेकिन हाँ आप जो होता है हमारे यूनिवर्सिटी में वैल्यू एजुकेशन भी पढ़ाया जाता है, एनवायरमेंटल एजुकेशन पढ़ाया जाता है, उसके साथ साथ योगा के प्रोग्राम भी होते हैं हर स्कूल कॉलेज में होते हैं ना, ये सर तो दोनों कथन सही, बस इतना ही था भाई आज के लिए। बस थोड़ा बीच में मुझे भी गुस्सा आ रहा था आप जैसे आप लोगों जैसे, कि मैं भी एक्सपेक्टेड नहीं कर रहा था कि ऐसा कोई आएगा जो क्लास में डिस्टर्ब व्यवधान डालेंगे, है ना, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ आप सभी से कि क्लास के लिए जो बीच बीच में हो रहा था, ठीक है। चले किसी कुछ कहना है, क्लास लंबा था ठीक था बताओ फिर, ठीक है सर, बोरिंग तो नहीं रहता सभी ना, बोरिंग तो नहीं लग रहा था सभी को, नहीं सर, बस तो रखते हैं ना आज के लिए इतना ही, क्या कहे तो सभी सर, जो मेरा कहना है कि सर वो जो विश्व भारती यूनिवर्सिटी है वो अभी वर्ल्ड हेरिटेज यूनिवर्सिटी के अंदर आया ना, हाँ 1921 में आया है, 1921 में है उसीलिए उसको हेरिटेज मिलाया है, मैं वहाँ का स्टूडेंट हूँ, ओहो मैं था अभी तक निकल चुका हूँ वहाँ का, मैंने बीएससी करा एमएससी करा वहाँ से ही सब कुछ करा, वो बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है, अब जब मौका मिला तो आना घूमने के लिए फिर वहाँ पर, नाम है शांति निकेतन है ना जी, जैसे नाम है, जैसे नाम है शांति निकेतन वैसे शांति मिलते वहाँ पर जाकर, तो शांति मिल जाएंगे आपको, अब जाएंगे घूमने के लिए तो बहुत सारे देखने का चीज़ है, तो मज़ा भी आएंगे आपको कि भाई कहाँ पर आ गए हम, ये बहुत सारे जो रविंद्रनाथ टैगोर जो है उनका बहुत सारे वहाँ पर क्षेत्रिया जुड़ा हुआ है वहाँ उससे, ठीक है। फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, सभी को बाय बाय, टेक केयर, और अपना ख्याल रखें और अपने परिवार को ख्याल रखें और अपना हेल्थ का भी ख्याल रखें, ठीक है, थैंक यू सर, सभी को नमस्ते फिर से, थैंक यू सर, थैंक यू सर, धन्यवाद सभी को, वेलकम, और अपना पढ़ाई करें और कुछ भी दिक्कत हो पेपर वन में एनी तो मुझे आप बता सकते हैं, ठीक है, ओके, कुछ भी सब्जेक्ट हो पेपर वन के लिए, ओके, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, चलो रखते हैं।